जो सरकारी काम होता है, सरकारी पैसे से जो काम होता है, उसका नियम है कि कोई स्कीम या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के एक साल के अंदर आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो देखा जा रहा है, कैक के रिपोर्ट में जो आ रहा है, 2.4 लाख, 2,40,000 ऐसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो ड्यू है। मतलब पश्चिम बंगाल की सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। और इसका अमाउंट अगर हम जोड़े कि कितना पैसा इसमें यूटिलाइज हो गया, लेकिन यूटिलाइजेशन का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, यानी काम हुआ है या नहीं हुआ है, या पैसा ऐसे ही चला गया किसी की पॉकेट में, भाईपो के पॉकेट में चला गया, या टीएमसी के ममता बनर्जी के भाइयों के पॉकेट में चला गया, ये किसी तरीके इसका कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। और ये टोटल अमाउंट है 1.95 लाख करोड़, यानी लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, इतना पैसे का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ममता बनर्जी की सरकार ने नहीं दिया है। मतलब फाइनेंस रूल के अनुसार ये पैसा कहां गया है, किसके पास गया है, इसका कोई अता पता किसी को नहीं है। अगर ममता बनर्जी को होता या उनके सरकार को होता तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे देती। लेकिन अभी तक ये जो कैग रिपोर्ट आया है 21 के मार्च तक नहीं दिया। और देखा जाए तो 2018 से 2021 के मार्च तक ये जो 2.4 लाख जो मिसिंग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, इसमें 1.6 लाख सिर्फ इस पैन में 18 से 21 मार्च इस टाइम के अंदर इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया नहीं गया है। इसमें मेजरली 3 डिपार्टमेंट पश्चिम बंगाल सरकार की इन्वॉल्व है। एक है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट एंड स्कूल एजुकेशन। इन तीनों डिपार्टमेंट को अगर आप गौर फरमाइएगा इन तीनों नामों पर, 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें करप्शन के चार्जेस बीते दिनों में सबसे ज्यादा टीएमसी के ऊपर आया है। इवन एक्स एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज प्रेजेंटली अंडर द बिहाइंड द बार, अभी जेल के अंदर है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, एक्स एजुकेशन मिनिस्टर। और रूरल डेवलपमेंट में MGNREGS का पैसा केंद्र सरकार रोकने के लिए बाध्य हुआ है, क्योंकि ये हालत है एक्चुअल में।